नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू और मेरा नाम है कुश पांडे। आप सबका स्वागत है तहे दिल से हमारे आज के सेशन में, जहां पर हम फोकस करेंगे उन सारी खबरों पर जो मैटर करती है फ्रॉम द पेपर दैट इज द हिंदू। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन गाइस, इट्स अ मंडे मॉर्निंग एंड टू मेनी पीपल दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक, बट टू मी दिस इज अ न्यू डे ऑफ अ न्यू वीक, अ वीक दैट आई कैन बिकम बेटर दैन वॉट आई वॉज इन द प्रीवियस वीक। एक ऐसा हफ्ता जिसमें मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं कल नहीं कर पाया, वो आज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। आपके लाइफ में कई सारे आपके ड्रीम्स होंगे, कई सारे आपके गोल्स होंगे। प्लीज़ गाइस, उन गोल्स पे, उन ड्रीम्स पे लगे रहिए, पर साइड बाय साइड जो ये मोमेंट है, दिस मोमेंट, इसमें एक बड़ी सी स्माइल दे दीजिए, बिकॉज अ स्माइल, अ लाफ्टर, समथिंग दैट यू थिंक एंड बिकम हैप्पी, दैट इज़ प्राइसलेस। So do not get tensed about the future. Do not get worried about the future. Yes, you should have a goal. Yes, you should have targets. But the most important thing about life is live in the moment. अगर अभी आप खुश रह सकते हैं, अगर अभी आप मेरी तरह smile कर सकते हैं, तो आप life में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओएशी सिंह साहा जी, रेगुलर करता हूँ, सिर्फ सैटरडे को हम नहीं कर पाए बिकॉज बिल्डिंग में कुछ मेंटेनेंस वर्क था। रेगुलर करंट अफेयर्स होता है, आप परेशान ना हो। एक बार ज़रा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। चलिए तो ले चलते हैं आपको हमारी फर्स्ट हेडलाइन पर। उससे पहले दोस्तों, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें सबके सब, एंड शेयर करें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द हेडलाइंस गाइस। टुडे वी विल डिस्कस द हेडलाइंस फ्रॉम 16th टू द 18th ऑफ मार्च। 16 से 18 मार्च तक की खबरों को हम फोकस करेंगे, और ये रहा आपके सामने हमारा पहला हेडलाइन। नाउ गाइस, मोटिवेशन एक चीज़ है, एंड दिस ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। न्यूजीलैंड मॉस्क अटैक हुआ, दैट अटैक हैपन्ड, एंड सैटरडे को इस न्यूज़ को रिपोर्ट किया गया। अराउंड ऑलमोस्ट 49 पीपल वर किल्ड इन द न्यूजीलैंड मॉस्क अटैक, एंड ये अटैक आपका हुआ इन क्राइस्ट चर्च। एंड शॉकिंग ये भी था कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम विच वॉज प्लेइंग इन न्यूजीलैंड, इट वॉज मिनट्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉस्क, एंड वो बाल बाल यहाँ पर बच गए। सो बेसिकली यहाँ पर बताऊँगा आपको बेसिक चीज़ें जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर द बैकग्राउंड इज कि द मॉस्क अटैक व अल नूर मॉस्क, दिस नूर मॉस्क वॉज बेसिकली इन क्राइस्ट चर्च, ये आपका मॉस्क क्राइस्ट चर्च में था। एंड अनदर मॉस्क अटैक्ट वॉज द अनदर थिंग अटैक्ट वॉज द लिनवुड इस्लामिक सेंटर इन लिनवुड। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ब्रेंटन टैरेंट, हु इज़ इन हिज लेट 20s, हैज़ बीन चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर हॉरिफिक क्राइम। एंड बेसिकली ही कॉल्ड हिमसेल्फ एन ऑर्डिनरी वाइट मैन, एंड उनके इंस्पिरेशन एंड इस घटिया आदमी के इंस्पिरेशन वॉज एंडर्स बेरिंग ब्रेविक, हु वॉज द नॉर्वे मैस्कुलर, वो इनके आइडल रह चुके हैं। एंड दोस्तों, इनकी वजह से 49 लोग जो हैं वो मारे गए इन दिस पर्टिकुलर मॉस्क। ऑल राइट, क्लियर हो गया आप सबको। सो इसका हिंदी भी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको याद रखना है उस मॉस्क का नाम, नंबर वन। उसके बाद आपको जो यहाँ पर याद रखना है, दैट इज़ द नेम ऑफ ऑफ द गनमैन, एंड कहाँ पर हुआ, इट हैपन्ड गाइज इन इन न्यूजीलैंड, वहाँ पर आपका ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं आपको अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट इशूज़ नोटिस टू द इलेक्शन कमीशन ऑन प्ली टू वेरीफाई एटलीस्ट 50% VVPATs। जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी आपके वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन्स हैं, जो आपके VVPATs हैं, उनमें से 50% को एटलीस्ट वेरीफाई किया जाए बिफोर द इलेक्शंस। ऐसा जो हमारे ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक प्ली जारी की थी इन द सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू देम, दे हैड सेड कि कम से कम जो 50% आपके VVPATs हैं, दे शुड बी वेरीफाइड सो दैट वी कैन हैव अ फ्री एंड अ फेयर इलेक्शन। ना गाइस, यहाँ पर एक सवाल बनेगा सबसे पहले, सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय VAPAT? आप सवाल मुझसे पूछोगे कि सर VAPAT जो है उसका मतलब क्या है। तो देखो, मेरे को आंसर आ भी गया फ्रॉम सुरभि कुमारी, शी इज़ वन ऑफ द वेरी सीरियस कैंडिडेट्स ऑफ दिस शो। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, दैट इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर VAPAT। इट इज़ बेसिकली अ मशीन जिसका फुल फॉर्म आई अगेन रिपीट, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नाउ इसको वेरीफाई करने की बात की गई है, एटलीस्ट 50% ऑफ VAPATs शुड बी वेरीफाइड एज पर द ऑपोजिशन पार्टीज। तो आइए एक बार जानते हैं कि ये VAPAT होता क्या है। VAPAT इज़ बेसिकली अ मेथड
दैट प्रोवाइड्स फीडबैक टू वोटर्स, एक तरह से आपने जिसको वोट दिया उसकी जानकारी आपको देता है. बेसिकली इट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर मशीन विच इज़ अटैच टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट प्रिंटिंग मशीन है जो कि आपका जो वोटिंग मशीन है उससे अटैच होगा. इट विल अलाउ वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट्स हैज़ गॉन टू द इंटेंडेड कैंडिडेट. इससे जो वोटर्स हैं वो ये चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया है, जिस पे उन्होंने बटन दबाया इज़ द सेम वोट गिवन टू द सेम पार्टी. गाइस कैसे ये वर्क करेगा? जब भी कभी एक वोटर विल प्रेस अ बटन द ईवीएम, एक पेपर स्लिप जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी इन द वीवीपीएटी. ये जो स्लिप आपकी बनेगी इट विल कंटेन अ पोल सिंबल. फॉर एग्जांपल इट कैन बी कमल, इट कैन बी झाड़ू, इट कैन बी हाथ, इट कैन मुक्का, इट कैन बी एनीथिंग. एंड उसके साथ उस जो कैंडिडेट है उसका नाम होगा. इससे आप यानी वोटर कैन वेरीफाई हिज और हर चॉइस. नाउ गाइस आफ्टर बीइंग विजिबल टू द वोटर फॉर फ्रॉम द ग्लास केस फॉर 7 सेकेंड्स, 7 सेकेंड के बाद ये ड्रॉप हो जाएगा इन द ड्रॉप बॉक्स और इसकी चेकिंग सिर्फ और सिर्फ आगे चलकर सिर्फ पोलिंग ऑफिसर्स कर सकते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पर आपको बताएं, एक बार वॉल्यूम बढ़ा दो. तो अगर हम आपको यहाँ पर बताएं तो इसकी जो वेरिफिकेशन है दैट कैन बी डन ओनली बाय द पोलिंग ऑफिसर्स. एंड ये एक तरह से फीडबैक है आपके लिए कि आपने किसको वोट दिया उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं कि जो मतदाता है वो जो ये पूरा इसका फुल फॉर्म है मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल. क्या बात है, ये इसका मेन रोल है कि एक तरह से ये आपको बताएगा कि आपने किसको वोट दिया. ठीक है, क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 और 1 स्टार. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. दोस्तों अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. वी वॉन्ट दिस शो टू बी द बेस्ट करंट अफेयर शो ऑन यूट्यूब. चलिए आगे बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ओके, SBI launches cardless ATM withdrawals. SBI जो है उन्होंने लॉन्च किया है cardless ATM withdrawals को. ये बड़ी खबर थी संडे और सैटरडे की बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ इंडियाज बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, वो ऐसा करने वाला वन ऑफ द वेरी फ्यू बैंक्स बना है जहां पर बिना ATM के आप ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. Now guys, this facility is available through the YONO app, जिसको बारे में बहुत सारे सवाल आपके बैंकिंग में आ चुके हैं पिछले साल. सो दिस पर्टिकुलर ATM withdrawal without any card is available through the YONO app, जिसके लिए you have to set up a 6-digit YONO cash pin और जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं for cardless ATM withdrawal. बिना किसी कार्ड के आप ATM को विड्रॉ कर सकते हो. तो आइए एक बार देख लेते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड YONO cash फॉर cardless withdrawal of cash at over 16,500 SBI ATMs across the country. With this facility, customers can initiate the cash withdrawal process on the YONO app by setting a 6-digit YONO cash pin for transaction. यहाँ पर उन्हें एक 6-digit का मिलेगा रेफरेंस नंबर जो कि SMS के जरिए उनको मिलेगा और आप नियर बाई ATM से जाकर इस नंबर को यूज़ करके विद इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स यू कैन टेक आउट कैश. आई अगेन रिपीट गाइस, YONO एक ऐप है. YONO ऐप की बात करें तो उस पर आपको एक मिलेगा एक पिन, उस पिन के जरिए यू विल गेट अ 6-digit रेफरेंस नंबर. आपने उससे पहले ऑलरेडी अमाउंट डाल दिया होगा एंड इस नंबर को आप टाइप इन करेंगे इन द ATM विद इन 30 मिनट्स और आपको पैसे वहाँ पर इमिडिएटली मिल जाएंगे. तो इसके लिए अब आपके पास कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है. सो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है. इसका एक बार हिंदी भी दिखा दूँ आपको. वन दैट यू शुड हैव द YONO ऐप जिसका फुल फॉर्म है यू नीड ओनली वन. इसका फुल फॉर्म एक बार चेक भी कर लूँ. येस, इसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन. इसका फुल फॉर्म है. इसमें आप एक पिन के जरिए यू कैन गेट अ कोड, उस कोड का इस्तेमाल करिए एंड पैसे आप बिना कार्ड के निकाल लीजिए. क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. वेल शशिमणि दुबे, मुझे किसी भी चैनल पे नहीं जाने ज़रूरत है. आई एम ऑन दिस चैनल एंड आई रिमेन ऑन दिस चैनल फॉर माय करियर बिकॉज आई लव दिस कंपनी. ऑलराइट, सो मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, क्लियर हो गया आप सबको? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. इज इट क्लियर गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं. और यस, हर बार नया कोड आएगा विशाल. यस, हर बार नया कोड आएगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मज़ा आ रहा है. प्लीज़ लिखते जाइएगा 1 या फिर 1 स्टार. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. नोटेड अमेरिकन पोएट WS मर्विन हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91.
ही वॉज अ फॉर्मिडेबल अमेरिकन पोएट. ही वॉज अ पोएट फॉर द लास्ट 60 ईयर्स एंड ही वॉज द यू एस पोएट लॉरियट. इन्हें दो यू एस पोएट लॉरियट दिया गया था. ही ऑल्सो वन द 2 पुलित्जर प्राइजेज और उन्हें नेशनल बुक अवार्ड भी कई बार दिया गया था. तो ये जो है इनका दोस्तों देहांत हो गया. इनका नाम जो है वो याद रखें, इनका नाम जो है वो है WS Morvin, जो कि यहाँ पर इसका सही आंसर है. तो यहाँ पर याद रखिएगा, इनका नाम है WS Morvin. देर विल बी ओनली वन क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन विल बी WS Morvin वॉज अ फेमस डैश. तो उसका आंसर होगा पोएट. एक और सवाल बनेगा, WS Morvin बिलोंग टू विच कंट्री. द आंसर वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा. क्लियर हो गया आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं. ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर, जो कि ये रही आपके सामने. ये खबर पे आगे बढ़ते हैं. ओके, अब बात करते हैं आज की दोस्तों. पिनाकी चंद्रा घोष इज सेट टू बी इंडियाज वेरी फर्स्ट लोकपाल. बहुत सारे इश्यूज आए थे, देयर वर वेरियस कंसेंसस कि भाई लोकपाल कौन बनेगा, उनका नाम क्या होगा, कैसे काम चलेगा. तो पिनाकी चंद्रा घोष जो हैं, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज वेरी फर्स्ट, ही विल बी अपॉइंटेड इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट एज इंडियाज वेरी फर्स्ट लोकपाल. लोकपाल का अंग्रेजी नाम होता है एंटी करप्शन ओम्बुड्समन, एन ऑफिसर विच विल लुक इन टू द करप्शन मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट विल इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर्स. तो जो एक सेंट्रल लोकपाल है, जो एक केंद्र लोकपाल है, वो दोस्तों आपका यहाँ पर जो बनेगा वो है आपके मिस्टर पिनाकी चंद्रा घोष. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ. फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड करंट मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, पिनाकी चंद्रा घोष इज लाइकली टू बी इंडियाज फर्स्ट एंटी करप्शन ओम्बुड्समन आफ्टर हिज नेम वॉज रिकमेंडेड बाय द हाई लेवल सिलेक्शन कमिटी. गाइस, इस कमिटी के अदर मेंबर्स जो हैं उनके नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन एंड एमिनेंट जूरिस्ट मुकुल रोहतगी. उन्होंने ही इनका नाम दोस्तों यहाँ पर अपॉइंट किया. गाइस, लोकपाल एक्ट वॉज पास 2013. इट इज़ बेसिकली फॉर एंटी करप्शन एंड इसका मेन रोल ये है कि जो भी करप्शन के मामले हैं उनको देखना. नाउ गाइस, मिस्टर घोष वॉज द जज ऑफ द कलकत्ता हाईकोर्ट 97. ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एंड देन बिकेम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2013. तो याद रखिएगा इनका नाम है पिनाकी चंद्रा घोष एंड ही इज सेट टू बिकम इंडियाज वेरी फर्स्ट लोकपाल. इनका नाम है पिनाकी चंद्रा घोष. आइए इसका दिखा दूं मैं आपको. इसका इंग्लिश ये रहा और इसका हिंदी आपके सामने स्क्रीन पे आ सकता है, पर आपको एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज पिनाकी चंद्रा घोष. वेल आरती, आई अगेन एक्सप्लेन. लोकपाल और एंटी करप्शन ओम्बुड्समन विल बी एन ऑफिसर दैट विल लुक इनटू द करप्शन मैटर्स ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर. लोकपाल का एक और नाम होता है, दैट इज लोकायुक्त. लोकायुक्त इज द स्टेट लोकपाल. जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनमें से कई स्टेट्स में ऑलरेडी आपका लोकायुक्त आ चुके हैं, सो दे विल बी लोकायुक्त इन द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन दे विल बी लोकपाल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत ही फेमस अन्ना हजारे का मूवमेंट था, जिस मूवमेंट से पार्टीज लाइक द आम आदमी पार्टी और स्वराज पार्टी, दिस पार्टी हैव कम टू द फोर, दैट मूवमेंट लेड टू दिस पर्टिकुलर बिल, दैट इज द लोकपाल बिल. ठीक है, तो अब जो नए हैं उनका नाम है पिनाकी चंद्रा घोष. क्लियर हो गया? प्लीज कमेंट कर दीजिएगा. ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस, जो कि ये रही आपके सामने. रेस्ट इन पीस द ग्रेट सोल. Well, when I was really young and when I first heard of Mr. Manohar Parrikar, I was enamored. I was amazed. जब मैंने पहली बार इनके बारे में सुना तो मैं आश्चर्यचकित हो गया और एकदम मतलब I became a student. Yes, I agree. He was a politician. Yes, I agree. He belonged to a political party which is ruling the country of India. But for me, he was someone who I termed as a hero. He was the real Aam Aadmi of the Indian politics and he has sadly, guys, passed away. He was a 4-time Goa Chief Minister. He was the first IITian to actually become an MLA and he was also India's Defence Minister and one of the very finest Defence Ministers. Though his name was embroiled in the controversy or Rafal ke controversy mein ka naam kai baar aaya tha, par overall ye Bharat ke ek mahaan neta the aur Goa ke sabse bade netaon mein se ek the. So rest in peace the great soul,
रेस्ट इन पीस मिस्टर मनोहर पर्रिकर. आई होप योर लेगेसी इज़ फॉरवर्डेड इन टू अदर लीडर्स, बिकॉज आप जैसे लीडर्स भारत में बहुत ही कम हैं. एंड आई होप आप जैसे लीडर्स हमारे देश में और आएँ, ताकि हम फख्र से कह पाएँ कि मनोहर पर्रिकर वॉज फ्रॉम इंडिया. सो गाइज, इनके पांच कोटेशंस हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. चार टाइम चीफ मिनिस्टर थे, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा थे फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग. मतलब फॉर वंस आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंजीनियर फॉर वंस. एंड ही वॉज द फर्स्ट IIT एलमनस टू सर्व एज एन MLA ऑन द इंडिया ऑफ एन इंडियन स्टेट. तो ये पांच इनके इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थे, ये हमेशा याद रहेंगे हमको, एंड हम इनको कभी नहीं भूलेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं हमारी अगली खबर पे. इंडिया मालदीव्स अग्री टू कोऑपरेट ऑन डिफेंस डेवलपमेंट एंड हेल्थ. आर ऑनरेबल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मिसेस सुषमा स्वराज, शी इज़ ऑन अ 2-day विजिट टू मालदीव्स. एंड वहाँ पर वो पहले मिली फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को इन माले. एंड उन्होंने तीन बेसिक मुद्दों पे डिस्कशन किया एंड अग्रीमेंट किया, दैट वाज डिफेंस डेवलपमेंट एंड हेल्थ. एक बार दिखा देते हैं आपको. इंडिया एंड मालदीव्स डिस्कस्ड मेजर्स टू स्ट्रेंथन टाइज एंड अग्री टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस डेवलपमेंट कोऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड हेल्थ. इन तीन मुद्दों पे उन्होंने एक तरह से कोलैबोरेट दोस्तों यहाँ पर करने की बात कही है, जो कि आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया. एंड यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई with foreign affairs minister of Maldives, that is Shahid, unke saath mulaqat hui. And iske baad aage chalkar she will also basically meet the president of the head of Maldives, unse bhi aage chalke milengi. Apart from this, she also inaugurated the IGMH hospital, the Indira Gandhi Memorial Hospital, which is the first and the largest government healthcare facility in Maldives, jisko Indian Health se banaya gaya hai. This facility has 350 beds and isko hi haal hi में इन्होंने इनॉग्रेट किया. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अभी सिर्फ 350 लाइक्स हैं. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ द 1000 पीपल टू लाइक दिस वीडियो एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आई नो एंड अग्री दैट आप सबको ये शो बहुत ज़्यादा पसंद आता है. क्लियर हो गया आपको? अच्छा, एक बार दिखा देते हैं इसी के मैप को. ये रहा आपके सामने इसका मैप दोस्तों. आप देख सकते हैं कि इंडिया और ये जो आपका मालदीव्स है, इनमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग है, जो एक नेबर वाला रिश्ता है, वो कैसा है दोस्तों. ऑन वन साइड वी हैव इंडिया, दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ माले. सो बेसिकली वी आर वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ आर डिस्टेंस एंड अग्रीमेंट्स कई सारे होते हैं भारत और मालदीव्स के, और ये इसलिए ही काफ़ी रेलिवेंट आपका इम्पोर्टेंट रिश्ता है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने दोस्तों. लेट्स नाउ फोकस ऑन टुडेज फाइनेंशियल टर्म्स. आज के जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनमें दो है आते हैं. पहला है आपका राइट्स इशू, सेकंड जो आपका आता है दैट इज़ FPI. तो पहले आइए जानते हैं हम राइट्स इशू को, एंड देन वील डिस्कस वॉट इज़ FPI. ओके, वेन अ लिस्टेड कंपनी offers new shares only to its existing shareholders at a discount or as a bonus, such an offer is called as a rights issue. जब आपकी एक कंपनी है, जब आपकी एक लिस्टेड कंपनी, मान लेते हैं कंपनी का नाम है भोला पापड़ वाला. जब आपकी एक कंपनी है भोला पापड़ वाला, फॉर एग्जाम्पल लिस्टेड कंपनी है, इसकी वर्थ है 50,000 करोड़, क्या बात है, भोला जी तो अमीर हो गए. तो बेसिकली इस कंपनी ने ऑफर किए नए शेयर्स, न्यू शेयर्स ओनली टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सिर्फ और सिर्फ अपने वर्तमान शेयरधारकों को. तो यहाँ पर ये जो ऑफर होगा, इसे हम क्या नाम देंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ राइट्स इशू. किया हुआ है, क्लियर हुआ है, क्लियर है, वन आप लिख दीजिए वन या फिर वन स्टार. बहुत ही सिंपल सी खबर है. नेक्स्ट ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ, तो नेक्स्ट डिस्कस मैं करूँगा नहीं, बिकॉज इसको मैंने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. बेसिकली FPI का फुल फॉर्म है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट.
बेसिकली इट इज़ अ बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डन बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स. इफ़ अ फॉरेन इन्वेस्टर, फॉर एग्जांपल ट्रंप, फॉर एग्जांपल एनी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मल्टीपल सेक्टर्स, ये जो टोटल आपका एक मल्टीपल सेक्टर्स का इन्वेस्टमेंट है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. क्लियर हो गया आप सबको? चलिए, भोला जी की जय कर दी सब लोग. चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही आपके सामने. वेल, द फर्स्ट ग्रैंड प्री, द फर्स्ट ग्रैंड प्री और ग्रैंड प्री ऑफ फॉर्मूला वन हैज़ कमेंस्ड एंड द विनर ऑफ द फर्स्ट ग्रैंड प्री दैट वॉज दैट हैपन्ड इन मेलबर्न हैज़ बीन वन बाय वाल्टेरी बोटास. ही इज़ द विनर ऑफ द इनॉग्रल ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री एंड दिस हैपन्ड ऑन अ संडे. सेकेंड पे रहे आपके आपके लुई हैमिल्टन एंड देन एट फोर्थ वी हैड सेबास्टियन वेटल. तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाल्टेरी बोटास अपस्टेज्ड मर्सिडीज वर्ल्ड चैंपियन टीममेट लुईस हैमिल्टन टू विन द फॉर्मूला वन सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री ऑन संडे. इन अ सिजलिंग परफॉर्मेंस ही कॉल्ड हिज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस. सेकेंड पे ऑफकोर्स रहे उन्हीं की टीम के लुईस हैमिल्टन, हु इज़ द करंट फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन. तो नाम याद रखेगा, ही इज वाल्टेरी बोटास एंड बेसिकली ही हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री एंड ही ड्राइव्स द कार फॉर मर्सिडीज बेंज. का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, जो कि है वाल्टेरी बोटास. क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट करिएगा 1 या फिर 1 स्टार. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. दोस्तों, वी हैव नेशनल रिकॉर्ड होल्डर केटी इरफान, हु ऑन संडे बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट ईयर्स टोक्यो ओलंपिक्स. ही फिनिश फोर्थ इन 20 किलोमीटर इवेंट एट द एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप इन नेओमी जापान एंड ही क्लॉक्ड अ डिस्टेंस क्लॉक्ड अ टाइमिंग ऑफ 1 hour 20 minutes 7 seconds टू बेटर द क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड ऑफ 1 hour 21 minutes. तो जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो गेम्स के लिए, उनका नाम है के टी इरफान एंड ही इज़ अ 20 किलोमीटर इवेंट रनर एंड ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है. अपार्ट फ्रॉम हिम देर इज़ नो अदर इंडियन सोफा हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर टोक्यो. ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इसको यहाँ पर क्वालिफाई किया है. तो इनका नाम आपको याद रखना, इनका जो नाम है दैट इज़ के टी इरफान. ही इज़ द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स विच विल बी हेल्ड इन 2020. इसके अलावा कोई और भारतीय अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है. इनका नाम याद रखिए, इनका नाम जो है वो है आपका के टी इरफान. क्लियर हो गया? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. फॉर द सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन वुमेन्स गोल्फिंग, दूसरी बार भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ है कि वी हैव अ वुमन हु हैज़ वन अ लेडीज यूरोपियन गोल्फ टाइटल एंड उनका नाम है दीक्षा डागर. मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे. दीक्षा डागर हैज़ बिकम ओनली द सेकेंड इंडियन वुमन टू विन द लेडीज यूरोपियन टूर आफ्टर पिपिंग ली एंड पेपेस बाय 1 shot एट द साउथ अफ्रीकन ओपन विच टुक प्लेस इन केप टाउन. ये दूसरी भारतीय महिला गोल्फर हैं जिन्होंने जीता है एक लेडीज यूरोपियन गोल्फ टाइटल बाय विनिंग द साउथ अफ्रीकन ओपन. The first one was Aditi Ashok, who became the first Indian to win the title in 2016. उनके नाम और दो टाइटल्स हैं, पर जो सेकेंड इंडियन वुमेन गोल्फर हैं जिन्होंने जीता है उसका नाम है दीक्षा डागर एंड शी हैज़ वन इट इन केप टाउन एंड शी हैज़ वन द साउथ अफ्रीकन ओपन. वो उसकी यहाँ पर दोस्तों जो हैं वो विनर बन के सामने आई हैं. क्लियर हो गया आप सबको? कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 star. जरा वापस स्क्रीन पर आ जाएँ एक बार. सो ये आपकी विनर हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट. फर्स्ट ही आपकी अदिति अशोक कुमारी रोशनी, शी वॉज द फर्स्ट. सेकेंड है आपकी दीक्षा डागर. नेक्स्ट पे आते हैं. द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डायरेक्टेड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू प्रिपेयर अ नॉइज पोल्यूशन मैप. देखिए, दो बॉडीज़ होती हैं. इस पर एक सवाल UPSC में आया भी था कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NGT एंड CPCB. NGT इज़ लाइक अ कोर्ट, इट इज़ लाइक अ न्यायालय जहाँ पर जो एनवायरमेंट संबंधित मामले हैं उन पर फोकस होता है. CPCB इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ पल्यूशन दैट टू एयर पल्यूशन और नॉइज़ पल्यूशन टू बी वेरी एग्जैक्ट. तो दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, एक कोर्ट की तरह है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. एक मामले देखती है, केसेस देखती है, एक इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी. सो NGT ने कहा है, विच इज़ लेड बाय मिस्टर आदर्श कुमार गोयल जो कि इसके चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा है कि जो CPCB है इट शुड हैव अ नॉइज़ पोल्यूशन मैप सो दैट दे कैन चेक फॉर इन विच सिटीज़ द नॉइज़ पोल्यूशन इज़ एट द हाइएस्ट एंड क्या है रेंज आपके नॉइज़ पोल्यूशन की.
CPCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इट इज़ बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय द CPCB एक्ट 1974. इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एंड जो करंट चेयरपर्सन इसके हैं उनका नाम है SP सिंह परिहार. वो इसके वर्तमान में चेयरपर्सन के पद पर आपके हैं. तो मैं आपको रिपीट फिर से कर दूँ, NGT हैज़ डायरेक्टेड CPCB टू प्रिपेयर अ नॉइस पॉल्यूशन मैप. इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है एंड 3 महीनों में in the next 3 months the noise pollution map should be presented to the national green tribunal. clear ho gaya aapko ye sab? clear ho gaya aap sabko, everyone? अच्छा, एक सवाल आया यहाँ पर ओएशी का, सर डिफरेंस समझा दीजिए फिर से. NGT इज़ बेसिकली अ कोर्ट, NGT इज़ अ एडहॉक कोर्ट बॉडी, वाइल CPCB इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ स्टैचरी और अ रेगुलेटरी बॉडी. NGT इज़ कंसर्न्ड विथ ऑल केसेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट. CPCB इज़ कंसर्न्ड विथ पॉल्यूशन मैटर्स और स्पेशली एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है. ठीक है खुशी, अगर आपको भी क्लियर है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा 1 या फिर 1 स्टार. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. इसका हिंदी भी है आपके सामने, आगे बढ़ते हैं. इलेक्शन कमीशन बार्स पार्टीज फ्रॉम रिलीजिंग मैनिफेस्टोज 48 आवर्स बिफोर पोलिंग. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई पोलिटिकल पार्टी है वो लास्ट के जो 2 दिन हैं पोलिंग से पहले उनमें अपना कोई भी मैनिफेस्टो, कोई भी जनहित में कोई भी अपने वादे जारी नहीं कर सकती है. दे हैव इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड बेसिकली सेक्शन 126 कहता है इलेक्शन साइलेंस. और अभी तक ऐसा कोई भी मेंशन नहीं था कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मैंडेट या अपना जो मैनिफेस्टो उसको जारी नहीं कर सकती विदिन 48 आवर्स. पर अब हो गया है कि चुनाव से 48 आवर्स पहले तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना जो एक मैंडेट है, जो मैनिफेस्टो है, उसको दोस्तों जारी नहीं कर सकती है. इट इज़ नॉट अलाउड कि वो इसको जारी यहाँ पर कर सके. ठीक है, याद रखिएगा कि जो आप टाइमिंग है दैट इज़ 48 आवर्स. 48 आवर्स के अंदर नहीं कर सकते दोस्तों. 991 लोग हैं, 1000 लोग कर दीजिए आज. एंड 524 लाइक हैं, 11 महान लोगों ने डिसलाइक किया है. मेरे भाई मैं आपसे रिपीट करूंगा, अगर आपको डिसलाइक करना है शो को प्लीज़ मुझे मेल लिखें ताकि मैं आपके डिसलाइक को लाइक में बदल सकूँ. बिकॉज आई वॉन्ट 0 डिसलाइक्स टू माई शो बिकॉज आई नो कि आई कैन बी बेटर. सो प्लीज़ मुझे आप मेल लिखें, बाकी लोग जो हैं वो शो को जल्दी से 1000 के ऊपर पहुँचा दें. चलिए सो ये थी हमारी खबर, इसका आइए हिंदी देख लेते हैं. अच्छा इसका हिंदी है नहीं तो इसका हिंदी नीचे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. RBI categorizes IDBI bank as a private sector bank. SBI, ICICI and HDFC remain systemically important banks. बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों सैटरडे की जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया कि जो IDBI bank है, that is the Industrial Development Bank of India जो है, IDBI bank जो है, which was a public sector bank, now again is a private sector bank. जब IDBI bank बना था in 1994, it was a private sector bank. It was a private sector bank like ICICI, like HDFC, like Axis, like DCB, like IndusInd. Now again, it is a private sector bank, guys. And ये यहाँ पर RBI ने जारी किया. Apart from this, जो आपके 3 banks हैं SBI, ICICI and HDFC, ये जो आपके 3 bank हैं, these 3 banks are systemically important bank. ये तो 3 bank के आपके हैं, इन्हें systemically important bank दोस्तों कहा गया है. सो DSIB का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. इसका मतलब ये भी होता है कि ये बैंक बहुत ज़्यादा बड़े हैं फेल करने के लिए, दे आर टू बिग टू फेल. अकॉर्डिंग टू SBI, अकॉर्डिंग टू द RBI, दीज बैंक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इनका साइज़ बड़ा है, इनका जो एक रिजर्व बड़ा है, इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बड़ा है. और अगर ये फेल होते हैं देन इन्हें बहुत सरकार को नुकसान होगा. अकॉर्डिंग टू द RBI, ऐसे बैंक जिनके असेट आर मोर दैन 2% ऑफ इंडिया GDP, दे आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. उन्हें इस ग्रुप का दोस्तों यहाँ पर पार्ट माना जाएगा. इसके लिए 5 buckets बनाए गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.2% एंड देन कमिंग टू 0.1%, 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8, 1, 2, 3, 4, 5. हाँ, तो स्टार्टिंग विथ 0.2 मतलब जो भी आपका रिजर्व है उसके ऊपर आपको 0.2% मेंटेन करना है. या फिर अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो जो भी आपका CRAR परसेंटेज है उसमें आपको मिनिमम 0.2 करना पड़ेगा
अगर आप DSIB हैं, इट कैन बी अ मैक्सिमम प्लस 0.1%, पर जो भी CRAR है उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा। आई नो मैं इसको डिस्कस करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, पर आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसको डिस्कस मैंने कई बार किया है कि वॉट इज़ CRAR। सो मुद्दे यहाँ पर यही है कि अगर कोई ऐसा बैंक है जो काफ़ी बड़ा बैंक है, दैट बैंक कैन बेसिकली बिकम अ DSIB। इंडिया में 3 DSIBs हैं जिनके नाम है SBI, HDFC एंड ICICI, एंड ये DSIBs जो हैं इनके लिए दे शुड हैव अ सेट ऑफ मोर देन 2% ऑफ द GDP। और एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि CRAR जो भी है उससे प्लस 1% मैक्सिमम तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मिनिमम आपका जो है दैट इज़ एट 0.2%। आई डिस्कस दिस वेन एवर आई हैव टाइम, बिकॉज CRAR अलग ही टॉपिक है, पर अगर आपको यहाँ तक क्लियर है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वन DSIB का दोस्तों जो फुल फॉर्म है दैट इज़ डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। जरा वापस स्क्रीन पर एक बार आ जाए, लेट्स कम बैक टू स्क्रीन। ओके, सो ये हमारी खबर थी रिगार्डिंग DSIB दोस्तों। और आते हैं हमारे आज की आखिरी खबर पे, दिखा दे स्क्रीन पर। दी एफएसडीसी मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली, एंड FSDC बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रेगुलेटर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको लीड करते हैं दी फाइनेंस मिनिस्टर, द फाइनेंस सेक्रेटरी, और इसमें जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो RBI हो, चाहे वो आपका SEBI हो, चाहे वो IRDAI हो, PFRDA हो, ये सब कुछ इसमें यहाँ पर होते हैं। सो बेसिकली इट इज़ कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट इज़ कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, कंसर्न्ड विद हाउ टू इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ टू बेसिकली इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो उसके लिए ये आपकी कमेटी बनती है। 2010 में दोस्तों आपकी शुरू हुई थी, तब से लेकर ये कमेटी आपकी लगातार मीटिंग्स हेल्ड करती जा रही है। इनका जो नाम है फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। वापस स्क्रीन पर आते हैं। विद दिस वील कम टू एन एंड टू डिस्कशन गाइज, आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। जिनको इसका PDF चाहिए, वन सेकेंड, उसके लिए यू हैव टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। मैं उस ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर दे देता हूँ, वन सेकेंड। देर आर टू ग्रुप गाइज, एक चैनल है, ग्रुप है, तो आप ज्वाइन करिएगा हमारे, वन सेकेंड। सो ये मैंने लिंक दे दिया आपको, वन सेकेंड। यस, सो ये रहा लिंक आपके सामने दोस्तों। ये लिंक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, वन सेकेंड। सो यू कैन जॉइन, वन सेकेंड यार, सो यू कैन जॉइन ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, एंड आप उस लिंक पे जाके आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं PDF को डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों आपके प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच आपका यहाँ पर आने के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इट हैपन्स, इट टेक्स प्लेस मंडे टू सैटरडे, और रोज़ आपके साथ में यहाँ पर आता हूँ डिस्कस करने के लिए। ये सारी जो बड़ी खबरें हैं उनको यहाँ पर आपसे डिस्कस करने के लिए मैं आता रहूँगा। सो मैं लिंक फिर से रिपीट कर दूँगा आपके, ये रहा लिंक, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर लिंक गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज आपका आने के लिए, मिलता हूँ अब आपसे मैं कल। सो टेक केयर गाइज, एंड टेक केयर गाइज, टेक केयर एंड बाय।